हाय एवरीवन, AIA PGET के सभी एस्पिरेंट्स के लिए एक नई न्यूज आ गई है। आज 16 जुलाई है और साइट पर आपको एक नई नोटिस दिखलाई पड़ रही होगी, तो मैंने वो पब्लिक नोटिस डाउनलोड कर ली है। चलिए मेरे टैबलेट की स्क्रीन पर चलते हैं और समझते हैं आ गई है फाइनल आंसर की NTA की ओर से, जो आप लोग डिमांड कर रहे थे कि सर NTA की आंसर की कब आने वाली है, और उसके बाद मैं ये वीडियो बनाना चाह रहा था। आज मैं पर्टिकुलरली ये वीडियो लेकर आ गया हूँ आप लोग के लिए। 16 जुलाई की नोटिस दिख रही है आप लोगों को। डिस्प्ले ऑफ प्रोविजनल आंसर की एंड क्वेश्चन पेपर विथ रिकॉर्डेड रिस्पॉन्सेज फॉर आंसर की चैलेंज फॉर AIA PGET 2024। तो 6 जुलाई की एग्जाम हुई थी, CBT मतलब कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम था। आंसर कैसे चेक करना है आप चाहे तो ये लिंक यहाँ पे लिखा हुआ है, उसके अलावा मैं इस डिस्क्रिप्शन में भी इस लिंक को लगा दूंगा, तो आपको दिक्कत नहीं होगी लिंक को ढूंढने में। ये exams.nta.ac.in/AIA PGET/ में आपको मिलेगा आंसर। क्या लिखा है यहाँ पे, द कैंडिडेट्स हु आर नॉट सेटिस्फाइड विद द आंसर की, मतलब इस आंसर की को आप पहले टैली कर लेंगे, देख लेंगे आराम से, और अगर आप इससे सेटिस्फाई नहीं है तो क्या करना है, मे चैलेंज द सेम बाई पेइंग अ फी ऑफ 200 रुपीज। तो आप लोग क्या कर सकते हैं, चैलेंज कर सकते हैं। 200 रुपये फीस रखी गई है पर क्वेश्चन, चाहे जितने भी क्वेश्चन आप चैलेंज करें 200 रुपये यहाँ पे फीस आपको लगेगी। एज अ प्रोसेसिंग फी नॉन रिफंडेबल, जो कि रिफंडेबल नहीं है, और इससे मुझे बहुत दिक्कत होती है हमेशा, बाद में पर इसके बारे में बात करेंगे। दिस फैसिलिटी इज अवेलेबल फ्रॉम 16th of July to 18th July, मतलब कि ये मुश्किल से 2 दिनों के लिए है। 18 जुलाई को सुबह 11 बजे ये बंद है, सॉरी रात में 11 जुलाई को 11 बजे ये बंद हो जाएगा, तो जल्दी से जल्दी आपको इस पे काम करना पड़ेगा। द पेमेंट ऑफ द प्रोसेसिंग फी मे बी मेड थ्रू एनी मोड, सिंपल है हमारा UPI, और 18 तारीख के शाम रात के 11 बजे तक वो लेंगे। उसके बाद नो चैलेंज विल बी एंटरटेन्ड विदाउट रिसिप्ट ऑफ प्रोसेसिंग फी, द चैलेंजेस विल नॉट बी एक्सेप्टेड थ्रू एनी अदर मीडियम, मतलब कि यही एक मीडियम है इसी के थ्रू आप अपना चैलेंज पेश कर सकते हैं, उसको वो लोग कंसिडर करेंगे, उसके अलावा कोई और मेथड नहीं है। और नीचे पूरा बाकायदा स्टेप्स लिखे हुए कि कैसे कैसे आपको साइट पर जाकर देखना है और कैसे चैलेंज करना है, क्योंकि मेरे पास तो आंसर की है नहीं, मेरे पास तो किसी के लॉगिन आईडी या पासवर्ड ऐसा कुछ मेरे पास नहीं है, तो मैं ढूंढ तो नहीं सकता किसी और का। आप खुद से देखिएगा और कुछ दिक्कत आएगी तो बताइए, मैं स्टेप्स आपको यहाँ पे एक बार क्लैरिफाई कर दे रहा हूँ। पहले क्या करना है, वो साइट जो नाम मैंने आपको बताया वहाँ पे आपको लॉगिन करना है। देखिए पूरा स्टेप लिखा है, तो पहले साइट पे जाना है। लॉगिन करने के 2 मेथड हैं, एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड। अगर आपके पास ये है तो कोई दिक्कत नहीं, अदरवाइज इन्होंने दूसरा ऑप्शन भी यहाँ पे ला दिया है कि और लॉग इन विथ एप्लीकेशन नंबर एंड डेट ऑफ बर्थ, अगर क्योंकि कई बार बच्चे ऐसा करते हैं कि भूल जाते हैं पासवर्ड ना, डाल रहे हैं इनवैलिड बतला रहा, तो उसके लिए ये है। तो एप्लीकेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ के साथ भी अपना लॉग इन करेंगे, और एक सिक्योरिटी पिन वहाँ पे एक कैप्चा जैसा कुछ बना होगा उसको आपको लिखना है, और उसके बाद या फिर जो भी वहाँ पे सॉल्व करने का दिया होगा, कैलकुलेशन भी दे सकता है, अल्फाबेट भी ले हो सकता है, न्यूमेरिकल भी हो सकता है, उसके बाद आपको लॉग इन कर देना। फिर वहाँ पे क्या लिखा गया, क्लिक द व्यू चैलेंज आंसर की बटन। तो वहाँ पे पेज में कहीं पे आप देखिएगा, या तो सेंटर में होगा या फिर साइड में कहीं पे होगा व्यू या फिर चैलेंज आंसर की बटन करके लिखा होगा। द ऑप्शंस नेक्स्ट टू द क्वेश्चन ID अंडर द कॉलम करेक्ट ऑप्शन स्टैंड फॉर द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर की टू बी यूज बाई NTA, मतलब कि वहाँ पे हर क्वेश्चन की एक स्पेसिफिक क्वेश्चन ID होगी और हर ऑप्शन की एक ऑप्शन ID भी वहाँ पे जरूर होगी, है ना। और वहाँ पे लिखा है कोई एक कॉलम जैसा बना होगा, उसमें लिखेगा कि इन्होंने NTA ने क्या आंसर माने, वो आंसर वहाँ पे लिखा हुआ होगा। इफ़ यू विश टू चैलेंज दिस ऑप्शन, तो उस कॉलम में एक ऑप्शन लिखा होगा 1, 2, 3, 4 जो भी, या फिर क्वेश्चन का नंबर लिखा होगा, ऑप्शन नंबर लिखा होगा। इफ़ यू विश टू चैलेंज दिस ऑप्शन यू मे यूज एनी वन और मोर ऑफ द ऑप्शंस गिवन इन द नेक्स्ट 5 columns बाय क्लिकिंग द चेकबॉक्स, मतलब ये टेबल जैसा कुछ बना हुआ है, मैं यहीं पे ऊपर में आपको बना के दिखा देता हूँ एक बार, ये टेबल जैसा ऐसा कुछ बना होगा यहाँ पे, है ना। पहले वाले कॉलम में यहाँ पे इन्होंने क्वेश्चन नंबर डाल दिया, यहाँ पे जो भी नंबर लिखा होगा। दूसरे वाले ऑप्शन में करेक्ट आंसर नंबर डाल दिया, जिसको यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन लिखे ना, ये यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन वाला नंबर डाल दिया 1, 2, 3, 4 जो भी लिखा होगा। उसके बाद यहाँ पे और बाकी ऑप्शन लिखे होंगे, क्योंकि 4 questions मतलब 4 options है हमारे पास, तो 4 box यहाँ पे और बने होंगे हमारे पास, ठीक है। और इफ यू विश टू चैलेंज, मान लीजिए यहाँ पे एक नंबर लिखा है आंसर, मतलब NTA ने राइट आंसर एक लिया और यहाँ पे 4 boxes और दिए हुए हैं, अगर आपको डाउट लग रहा है तो आप उनमें से किसी भी बॉक्स को टिक करना है आपको, ऐसा राइट एक मार्क बनाना है यहाँ पे जैसा बना हुआ है, और उसके बाद वो चैलेंज करने का ऑप्शन आ जाएगा। उसके बाद क्या करना है, वहाँ पे यू मे वॉन्ट टू अपलोड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स इन विच यू कैन सेलेक्ट चूज फाइल्स, और आप अगर किसी क्वेश्चन को चैलेंज कर रहे हैं तो उसके सपोर्ट में कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको पेश करने पड़ेंगे, किसी संहिता का फोटो या फिर कुछ भी चीज़ें ऐसी अपने को पेश करनी होंगी, वहाँ पे अपलोड करना है। ऑल डॉक्यूमेंट्स आर टू बी पुट इन अ सिंगल PDF फाइल, एक ही मतलब जितने भी क्वेश्चन आप चैलेंज कर लें इकट्ठा फोटो खींच लीजिएगा सबका, PDF बना के अपलोड कर दीजिएगा, है ना।
आफ्टर क्लिकिंग ऑन योर डिजायर्ड ऑप्शन आईडी फॉर चैलेंज स्क्रोल डाउन एंड क्लिक ऑन सबमिट एंड रिव्यू क्लेम्स। मतलब कि पूरा क्वेश्चन ऐसे आप देखते जाएंगे पूरे 120 सवाल देख लिए, सबसे नीचे लिखा होगा सबमिट एंड रिव्यू क्लेम्स में, एंड मूव द नेक्स्ट स्क्रीन। यू मस्ट एंश्योर टू सेलेक्ट ऑल रिक्वायर्ड ऑप्शन बिफोर मूविंग फॉरवर्ड। जो भी आपको क्लेम करना हो सब चीज़ें आप देख लीजिए, अच्छे समझ लीजिए, उसके बाद आपको करना है। यू विल सी अ डिस्प्ले ऑफ ऑल क्वेश्चन आई डी एंड ऑप्शन यू हैव चैलेंज्ड। यू मे स्टिल मॉडिफाई योर ऑप्शन बाई क्लिकिंग ऑन मॉडिफाई क्लेम। मतलब वापस से आप एक बार रिव्यू कर सकते हैं, मान लीजिए धोखे से कुछ ठीक हो जाए तो उसको भी आप देख सकते हैं। वंस यू हैव सेलेक्टेड ऑल द ऑप्शन आई डी फॉर चैलेंज यू कैन क्लिक ऑन सेव क्लेम एंड पे फी। उसके बाद आपको सेव क्लेम और पे की ओर आगे बढ़ जाना है। तो जितने क्वेश्चन आप क्लेम किए होंगे, मान लीजिए 10 क्वेश्चन क्लेम किए तो 10x200 आ जाएगा वहां पे सीधा पेमेंट करने का अमाउंट, 2000 रुपये आपको जमा करने हैं वहां पे। क्लिक ऑन सेव एंड क्लेम पेमेंट टू सेलेक्ट पेमेंट ऑप्शन। नो मोडिफिकेशन विल बी अलाउड आफ्टर पेमेंट। और पेमेंट के बाद आप कुछ मोडिफिकेशन नहीं कर पाएंगे। सेलेक्ट द मोड ऑफ पेमेंट एंड पे अ नॉन रिफंडेबल प्रोसेसिंग फी 200 फॉर ईच क्वेश्चन चैलेंज। ये आप अच्छे से रखेंगे, टोटल चैलेंज के लिए नहीं है, पर क्वेश्चन। अगर आप एक क्वेश्चन चैलेंज कर रहे हैं तो 200 रुपये, दो क्वेश्चन चैलेंज कर रहे हैं तो 400 रुपये लगेंगे, ठीक है। और दोनों के लिए सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स को आपको सिंगल पीडीएफ बनाकर अपलोड कर देना है वहाँ पे। और कई बच्चे क्या करते हैं, हमने क्या आंसर लगाया हमको तो याद नहीं है तो कैसे चैलेंज करें, तो यहाँ पे जैसे इन्होंने बतला रहा है तो वैसे मुझे लगता है कि आपका राइट आंसर जो भी आप किए होंगे वहाँ पे जरूर मेंशन होगा, या फिर कुछ अलग से मार्क होगा ग्रीन कलर में या फिर येलो कलर में या फिर ऑरेंज कलर में, ऐसा कुछ मार्किंग, मतलब वो कुछ तो डिफ्रेंशिएशन उन्होंने जरूर बनाया होगा, ठीक है। तो एक सिंपल नोटिस आ गई है कि क्वेश्चंस को आप चैलेंज कर सकते हैं। और किसी भी प्रकार की क्वेरी हो तो इस वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिए, जल्दी जल्दी जाकर अपना अपना आंसर चेक करिए, और किसी को कुछ डाउट लगे तो मुझे जरूर बताइए। और ऑल दी वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, और इसी प्रकार से मेरी वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के बीच में स्प्रेड करते रहिएगा। थैंक यू सो मच।